आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार की राजनीति में भूचाल मचा देने वाला फैसला सुनाया है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एससी सिंध, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ भागवत शर्मा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने इन याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट में जब फैसला सुनाया जा रहा था तो कोर्ट रूम में क्या हो रहा था, चलिए जानते हैं। याचिकाकर्ता भागवत शर्मा ने लोकल 18 को बताया कि जातिगत जनगणना के दौरान पिछड़ों की जनसंख्या फर्जी तरीके से ज्यादा दिखाकर उनको 65% का आरक्षण दिया गया था, जो सवर्णों के साथ न्याय नहीं था। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने इस आरक्षण को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत संविधान के खिलाफ मानते हुए इसे रद्द कर दिया। देखिए, न्यायपालिका ने आज हमारे साथ न्याय किया है, सवर्णों के साथ न्याय किया है, और बिहार में जिस तरीके से गलत एवं फर्जी तरीके से जातीय जनगणना की गई और उसी आधार पे जो सभी लोगों को पिछड़ा स्लू काल स्लू ट्राइब का एक बड़ा वर्ग दिखा करके उनको जिस तरीके से 65% आरक्षण दिया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम आरक्षण विरोधी नहीं है। हम तो जो गरीब हैं उनके लिए हमेशा से ही मांग करते आए हैं, लेकिन आज यह दिखाया गया है, सवर्णों को उनका दुश्मन दिखाया गया है कि सवर्ण उनके दुश्मन है। लेकिन आज जो आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 50% सीधे 75% कर दिया गया है, ये गलत था। इसके खिलाफ हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था, जिसमें आज हमें सफलता मिली है। पटना हाईकोर्ट का जो खंडपीठ था जो अनुच्छेद 14, 15, 16 के अनुसार बोला कि इनके खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है ये, और आज हमारे फेवर में जजमेंट आया है। और जब भी संविधान के खिलाफ कुछ अगर लागू होगा, विधानसभा विधान परिषद में अगर लागू की जाएगी, तो हाईकोर्ट न्याय करने के लिए है। जब भी हमारे साथ अन्याय होगा, पटना हाईकोर्ट है हमारे साथ न्याय करने के लिए। अगर ये लोग आगे भी जाएंगे तो हम लोग आगे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो गलत है हम उसके विरोध में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। सवर्ण संरक्षण बना के हम लोग तो कई बार पिछले कई वर्षों से निरंतर लड़ ही रहे हैं, अनुशासित एवं लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ते आए हैं। लेकिन जहाँ कोर्ट में लड़ने की बात थी जो गलत था, तो हम लोगों ने सोचा कि रोड पे शांतिपूर्वक आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, इसको निकली तरीके से इसको चुनौती दी जाए। और हम आदरणीय जो हमारे वकील है पुष्कर नारायण साई जी, उनके जूनियर अमित आनंद जी, इनसे विचार विमर्श करने के बाद हमने पिटीशन तैयार करवाया, और हमारे कई साथी और कई लोगों ने भी पिटीशन तैयार किया है, और सब लोगों ने मिल करके मजबूती से हम लोगों ने फाइट किया और जजमेंट हमारे पक्ष में हुआ। बहुत अच्छी लड़ाई हुई शांतिपूर्वक। भागवत शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन मौजूदा बिहार सरकार चुनावी फायदे के लिए संविधान का दुरुपयोग कर रही थी। हाई कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि आरक्षण का लाभ किसी जाति की जनसंख्या के आधार पर देना सही नहीं है। जो संविधान के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, और ये लोग जो हैं वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। हम बाबा साहेब के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, हम उसको मानने वाले लोग हैं, और ये लोग संविधान के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। तो जो संविधान के खिलाफ है, तो हम उनके खिलाफ रहेंगे, हमेशा से रहेंगे। इस फैसले के बाद खबर आ रही है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस पर भागवत शर्मा ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती देंगे। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।